हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स। द सचर कमिटी वॉज चेयर्ड बाय द जस्टिस। हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। अगर हम बात करें सचर कमिटी की, सचर कमिटी की, तो सचर कमिटी को सेटअप किया गया था इन मार्च ऑफ 2005, इन मार्च 2005। अब ये जो कमिटी है, इट इज 7 मेंबर्ड हाई लेवल कमिटी। और इस कमिटी को सेटअप क्यों किया गया था? टू एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो इंडिया में ये ऑब्जर्व किया गया था कुछ सालों पहले कि जो मुस्लिम्स हैं वो बाकी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में काफी एस्पेक्ट्स में पीछे रह रहे हैं, यानी कि दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो इसीलिए इस कमिटी को सेटअप किया गया था ताकि मुस्लिम्स के सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस को एग्जामिन किया जाए एंड उन पर एक रिपोर्ट तैयार करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अब ये जो कमिटी है, ये किसने सेटअप की थी? इट वॉज सेटअप बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सेटअप बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विच वॉज मनमोहन सिंह। एंड इस कमिटी का हेड कौन था? इट वॉज हेडेड बाय, इट वॉज हेडेड बाय, इट वॉज हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, हु वॉज मिस्टर राजेंद्र सचर, राजेंद्र सचर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? द सचर कमिटी वॉज चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सचर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।